Hello students, in last video let's start our chapter open economy. Okay, what we have discussed, we have discussed difference between open and closed economy and balance of trade, balance of payment. So first of all we should take quick revision of it. Open economy क्या होती है, जिसमें हमारा इकोनॉमिक रिलेशन होता है दूसरी कंट्री के साथ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं हम. बट इन क्लोज इकोनॉमी देयर इज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्री और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. ठीक है, उसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होता. देन हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, जितनी हमने गुड्स एक्सपोर्ट करी और इंपोर्ट करी उसके डिफरेंस को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, इसमें हम सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करते हैं या फिर आप विजिबल आइटम्स बोल सकते हो. ठीक है, BOT का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किसका, सिर्फ विजिबल आइटम्स का. ठीक है, फिर इसमें हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी, सरप्लस BOT, डेफिशिट और इक्विलिब्रियम. ओके, फिर हमने पढ़ा था BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है किससे रिलेटेड, विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स. ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स. ओके, फिर आगे क्या था, इट इज स्टेटमेंट डेट रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये सारी इकोनॉमिक जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उन सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है किसी कंट्री की जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है उनसे. ठीक है, आगे इट इज़ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. किसके बेस पे हम प्रिपेयर करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे. रिलेटिंग टू ऑल द पेमेंट मेड एंड रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ गुड एज वेल एज सर्विसेज. जितनी भी पेमेंट की या रिसीव करी किसके बेस पे, गुड्स एंड सर्विसेज के बेस पे. ये हमने इतना पढ़ा था BOP के बारे में. ठीक है, अब आगे देखो BOP में क्या क्या आता है. इट इंक्लूड्स विजिबल आइटम. सबसे पहले क्या आता है, विजिबल आइटम. विजिबल आइटम और यू कैन से टेंजिबल आइटम्स. ओके, टेंजिबल आइटम्स मीन्स फिजिकल, जिनको आप देख सकते हो. ओके, फिजिकल गुड्स, इनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. ठीक है, फिर सेकेंड आपका आता है इनविजिबल आइटम मीन्स इनटेंजिबल आइटम. ओके, विच कैन नॉट बी सीन और टच. इसमें क्या आता है, आपकी सर्विसेस आती है जैसे शिपिंग, इंश्योरेंस. ओके, फिर आपका थर्ड आता है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिलैटरल ट्रांसफ़र. यूनिलैटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, वन साइडेड ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है. ठीक है, देखो, वन वे ट्रांसफ़र ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेस, एग्जाम्पल गिफ्ट, ग्रांट. इसमें क्या होता है, एक साइड से ही ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो. जैसे गिफ्ट दे दिया हमने, ग्रांट दे दिया, डोनेशन दे दिया. ठीक है, इसको हम फ्री ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं. अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो उसके बदले में आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. ओके, सो इट इज़ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र. नाउ फोर्थ पॉइंट, इट इज़ कैपिटल ट्रांसफ़र रिलेटेड टू कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट. ओके, सो कितने पॉइंट्स हैं इसमें, चार. फर्स्ट विजिबल, सेकंड इनविजिबल, थर्ड यूनिलैटरल एंड लास्ट कैपिटल ट्रांसफ़र. ओके, सो अब हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ BOP मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, सबसे पहला है आपका करंट अकाउंट, फिर सेकंड है कैपिटल अकाउंट. ओके, सो सबसे पहले जानते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है. देखो, करंट अकाउंट इज़ द अकाउंट which record export and import of goods, services and unilateral transfer. Current account एक ऐसा account है जो क्या record करता है, export and import किसका, goods का, services का और unilateral transfers का. ठीक है, goods means visible, services invisible and unilateral transfer one-sided transfer of money. Okay, फिर
फिर आपका क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, ये क्या रिकॉर्ड करता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट किसका, सिर्फ टेंजिबल आइटम्स का, जैसे मशीनरी, लैंड, ठीक है, टेंजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिकॉर्ड होता है गुड्स में, ठीक है। फिर आपका है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, सर्विसेज में क्या होता है, इट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, एग्जाम्पल शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। सर्विसेज के अंदर आपकी इंटेंजिबल आइटम्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इट रिकॉर्ड्स ट्रांसफर फॉर फ्री, ठीक है, कौन से ट्रांसफर, जो फ्री की रिसीव होती है, एग्जाम्पल गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन एक्सेट्रा। सो इट आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम, हम इसको जो हमें रिसीव हो रहा है तो हम इसको कौन से आइटम में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट आइटम में, पढ़ा होगा आपने अकाउंट्स में, बिकॉज इट इज़ द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू आर कंट्री। जिसे हमको गिफ्ट मिल रहा है, ग्रांट, डोनेशन, कुछ भी रिसीव हो रहा है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। वेयर इज पेमेंट आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम, और वही अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो करंट अकाउंट में यही था, करंट अकाउंट में क्या होता है, ये कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। उसके बाद आप बता दोगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में क्या आता है, सर्विसेज में क्या आता है, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, दैट्स सफिशियंट। ओके, अब देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है आपका, द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, इट रिकॉर्ड्स all transactions between resident of a country and rest of the world which cause change in asset and liability। capital account के अंदर क्या होता है आपका, कौन से transaction record करती है, ये resident and rest of the country और world के बीच में ऐसी transaction जिसकी वजह से asset और liability में change आता है, ठीक है। resident आपको पता होगा, and रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेजिडेंट फॉर एग्जाम्पल आप हो गए एंड बाकी जो बच गए, फॉर एग्जाम्पल आप US का ले रहे हो तो वो आ गया, ठीक है। सो अब इसके अंदर आपके दो हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पहला टॉपिक है कैपिटल अकाउंट से जो रिलेटेड है। सो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज की वीडियो में इतना ही।